पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों को 5 बड़ी सौगातें देने की घोषणा की। किसानों की बिजली कटौती के कारण फसल बुआई टाइम पर नहीं हो पा रही है। बिजली कटौती की समस्या को देखते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि किसानों की समस्या 2-3 दिनों में हल नहीं की गई तो जिला कांग्रेस कमेटी उग्र आंदोलन करेगी। इसी तारतम्य में कांग्रेस कार्यालय पर शनिवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष राम किनकर गुर्जर ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि किसानों को सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर तक को स्थायी एवं अस्थायी पंप पर बिजली निःशुल्क दी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। किसानों पर लगाए गए अन्यायपूर्ण मुकदमे वापस लिए जाएंगे। किसानों के कृषि उपयोग के पुरानी बिजली बिल भी बकाया राशि माफ की जाएगी। वहीं किसानों को 12 घंटे पर्याप्त एवं निर्विवाद बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस सरकार आने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने 5 सौगातें किसानों को देने की घोषणा की है, जिसमें किसानों के सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर तक के बिजली कनेक्शन, स्थायी एवं अस्थायी कनेक्शन पर बिजली निःशुल्क दी जाएगी। मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। किसानों पर लगाए गए अन्यायपूर्ण मुकदमे वापस लिए जाएंगे। किसानों के कृषि उपयोग में पुरानी बिजली बिल की बकाया राशि माफ की जाएगी एवं किसानों को 12 घंटे पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो 5 घोषणाएं किसानों के, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसानों के कल्याण के लिए कांग्रेस पार्टी ने कृषक न्याय योजना लेकर कमलनाथ जी आए हैं। शहरी क्षेत्र में भी किसान रहते हैं और शहरी क्षेत्र के लिए भी तमाम योजनाएं माननीय कमलनाथ जी लेकर आए। कमलनाथ जी हमारे नेता, माननीय कमलनाथ जी किसानों के, गरीबों के सच्चे हितैषी नेता हैं। आप 15 महीने का कार्यकाल अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने गरीबों के लिए जो 15 साल पहले से, मतलब दिग्विजय सिंह जी की सरकार के टाइम 300 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती थी, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही वो 300 से बढ़ा करके 600 की गई। कन्या विवाह राशि जहां 25,000 रुपए कन्या विवाह में दी जाती थी, उन्होंने बढ़ा करके उसको 51 की। जिस गौ माता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, उस गौ माता की भारतीय जनता पार्टी ने कभी चिंता नहीं की। मात्र 15 महीने के कार्यकाल में हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में हजारों गौशालाएं बना करके ये संदेश दिया है कि सच्चे गौ भक्त अगर कोई है तो वो नेता माननीय कमलनाथ जी है। सच्चे अगर किसानों की कोई हमदर्द पार्टी है तो वो हमारी कांग्रेस पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति आम जन को लूटने की योजना है। महंगाई चरम पर है, चाहे खाद की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए हैं उनके सारे के सारे वादे झूठे और खोखले हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के साथ हमेशा धोखा किया है। चुनाव नजदीक आते ही वो तमाम घोषणाएं करते हैं जबकि काम उसके विपरीत करते हैं। जब वो महंगाई कम करने की बात करते हैं तब महंगाई बढ़ती है। डीजल पेट्रोल को कम करने की बात करते हैं तब डीजल पेट्रोल महंगे होते हैं। किसानों की आय को वो दोगुना करने की जब बात करते हैं तो किसानों की आमदनी आधी हो जाती है। आप देखिए डीजल पेट्रोल और खाद और बीज दवाइयां कितनी महंगी हुई हैं। ऊपर से जो किसानों की जो उपज है उसके रेट आज तक नहीं बढ़े हैं, जबकि गेहूं का रेट सरकारी खरीद पर कम से कम 3,000 रुपए क्विंटल होना चाहिए और वो 2,2100 के आसपास आज भी है। पिछले 10 सालों से गेहूं का रेट वहीं थमा हुआ है और डीजल पेट्रोल खाद निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा किसानों के साथ, गरीबों के साथ धोखा करते हैं। किसानों का और गरीबों का अगर कोई साथ देता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। किसानों का हित अगर किसी ने सोचा है तो हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।